आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर मैं बोलूँ इन चार ऑप्शन में से किसी एक को आपको चुनना है तो किसको चुनोगे? जाहिर सी बात है, हमारा माइंडसेट सबसे पहले और सबसे जल्दी ऑप्शन नंबर फोर्थ की तरफ जाएगा, चार को चुनेगा। अब हमने चार को ही क्यों चुना? 1, 2, 3 करके और भी ऑप्शन थे, हम इनमें से किसी को चुन सकते थे, लेकिन हमारे दिमाग ने चार नंबर को ही क्यों चुना? जबकि ये चारों के चारों एक ही इंसान है, एक दूसरे के क्लोन है, फिर हमारा माइंड चार की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ? बिकॉज रीजन ये है कि फोर्थ नंबर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी पावरफुल सुप्रीम मेथड के बारे में, जो कि एक साइकोलॉजिकल मेथड है, जिसका इस्तेमाल करके लाखों लोग आज अपना खोया हुआ प्यार वापस पा चुके हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा खास मकसद है टू गेट लॉस्ट लव बैक डेफिनेटली। ये आपका खोया हुआ प्यार डेफिनेटली आपको वापस दिला के ही दम लेगा, ये इस वीडियो का टारगेट है। सबसे पहली बात है कि ये वीडियो किसके लिए है, तो ये वीडियो दो कैटेगरी के लिए, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले देखिए, एक कैटेगरी है ब्रेकिंग, सेकंड कैटेगरी है ब्रोकन। ब्रोकन कैटेगरी वो है जिनका दिल टूट चुका है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जिनका पार्टनर दूर जा चुका है, वो भी अपना प्यार वापस पा सकेंगे। ब्रेकिंग कैटेगरी है जिनका रिलेशनशिप धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जिनका प्यार पहले जैसा नहीं रहा है, वो भी अपना प्यार वापस पा सकेंगे। तो ये वीडियो बहुत ऑफ है। सबसे पहले हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो है नीड 1 वीक गैप। आपको 1 वीक का गैप डालना होगा। अगर आपका ब्रेकअप आज हुआ है तो आपको 1 सप्ताह तक अपने पार्टनर के सामने नहीं जाना है। समझ में आई बात आपको? अगर आपका ब्रेकअप कई दिनों पहले हुआ है तो फिर ये चीज़ आप अप्लाई करना। अब डायरेक्ट आते हैं उस मेथड पे। देखिए, इस मेथड का नाम सबसे पहले हम देखते हैं, नाम है ट्रांसफॉर्मिंग मेथड। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है, बहुत ही आसान लहजे में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा आपको। ये मेथड करता क्या है, ये 99.99% पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है और आपके प्यार को वापस दिला देता है। यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो 100% आपका प्यार वापस मिलने की पॉसिबिलिटी होती है इस मेथड के थ्रू, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। सपोज करिए कि ये आपकी लाइफ लाइन है। अब मैं आपको बहुत ही एग्जांपल, बहुत ही व्यवहारिक तरीके समझाऊंगा। ये है ब्रेकिंग लाइन, ठीक है, यानी कि ये ब्रेकिंग लाइन है। इधर का हिस्सा हम मान के चलते हैं ब्रेकअप से पहले का हिस्सा है, और इधर का ये जो हिस्सा है ये ब्रेकअप के बाद का है। अब यहाँ पे एक बात मेरे को आप बताओ, बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच के बताना। ये ब्रेकअप से पहले का हिस्सा है, अब ब्रेकअप से पहले जो हो, ब्रेकअप के बाद भी तो वही हो ना, तो आपका पार्टनर आपके पास क्यों वापस आएगा? अगर ब्रेकअप से पहले वाला इंसान आपके पार्टनर को पसंद होता तो वो आपको छोड़ के ही नहीं जाता, और आपने क्या किया है, सेम अपने आप को वैसा ही रखा है, सेम वही हो। अब ये मत कहना कि हम किसी के लिए खुद को क्यों बदले। अगर खुद को नहीं बदल सकते हो तो फिर आप इतना दर्द में क्यों हो, क्यों रो रहे हो, फिर मत रो फिर, है ना। ये मत कहना कि हम नहीं बदल सकते खुद को, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा एटीट्यूड वाली बातें यहाँ पे नहीं कर रही हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि हम अगर जस के तस हैं, यानी कि अगर हम ब्रेकअप से पहले जैसे थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज कर लो कि ब्रेकअप से पहले, ठीक है, पहले ब्रेकअप से पहले की बात करते हैं, आपके पार्टनर को ये रेड कलर की टी शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक है, इस वजह से वो आपको छोड़ के चला गया या चली गई। और अब आपने क्या किया, ब्रेकअप के बाद भी वही रेड कलर की टी शर्ट डाल के रखी है। आपको क्या लगता है कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा? क्यों आएगा, उसको तो पसंद ही नहीं है ये टी शर्ट, फिर आपके पास क्यों वापस आएगा, उसको तो एलर्जी है इससे। बात आपको समझ में आई? मैंने टी शर्ट का एक एग्जांपल देके आपको समझाया है, यानी कि सारी चीज़ें वही हैं तो वो आपके पास वापस नहीं आने को है, कभी नहीं आएगा। बात आपको समझ में आ गई? वो आप वापस आएगा कैसे आपके पास, उस पर बात करते हैं। देखिए, ये ब्रेकअप से पहले का हिस्सा, ये ब्रेकअप के बाद का हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक है, और आप, आपके पार्टनर को ये रेड कलर के टी शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो आपका पार्टनर छोड़ के आपको चला गया। अब आपने क्या किया है, जब आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपका पार्टनर आपके पास नहीं है, फिर आपने क्या किया, टी शर्ट को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक नया टी शर्ट आप गए शोरूम से परचेस करके लेके आए, आपके पार्टनर ने ऐसी टी शर्ट कभी भी आपके ऊपर नहीं देखी थी। जैसे ही वो अट्रैक्टिव टी शर्ट आपके ऊपर दिखेगा, आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सवाल ये है कि क्यों अट्रैक्ट होगा? अट्रैक्ट इसलिए होगा क्योंकि वो आपसे बोर हो चुका था, बोर हो चुका था तो फिर से अट्रैक्ट होगा। देखिए, आपने कभी तो अपने पार्टनर को इम्प्रेस किया होगा ना, सेम वही चीज़ तो फिर से करना है, आपको नए सिरे से करना है, फिर से इम्प्रेस कर देना है। आपका पार्टनर अब और बुरी तरीके से आपके प्यार में गिरेगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, कहाँ कहाँ चेंजेस कर रहे हैं आपको, वो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको।
देखिए, अब आपको जो चेंजेस करने हैं, कुछ मेजर चेंजेस मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये गर्ल्स बॉयज दोनों अपने अपने लेवल पर करिएगा, ठीक है। ये मेजर चेंजेस हैं, ये तो सबको करने हैं। कुछ पर्सनल चेंजेस हो सकते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से आप देखिएगा क्या आपके अंदर है, क्या आपको चेंज करना है। फिलहाल मैं मेजर चेंज के बारे में बात करता हूँ। तो पहला पॉइंट है कॉन्टेक्ट की बात करते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है ना, अगर ब्रेकअप हो चुका है तो कॉन्टेक्ट बंद करिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, नंबर स्विच ऑफ कर दीजिए, सोशल अकाउंट जितने भी हैं उसको डिलीट मारिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर ब्रेकअप हो चुका है तो। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। सेकेंड थिंग है हेयर पे चेंजेस करिए, अपने बालों में चेंजेस करिए। जब मैं कहता हूँ कि अपने हेयर को चेंज करो तो लोग इसको लाइटली लेते हैं। यार आप एक बात बताओ मेरे को, आपके फेस का लुक कैसे बनता है, आपके फेस का लुक कौन जज करता है? इमेजिन करो कि आपके सर पे कोई बाल ही ना हो, आपके जितने भी बाल हैं उसको हटा दिया जाए, साफ कर दिया जाए, आपका लुक कैसा हो जाएगा? एकदम चेंज हो गया ना। तो बाल जो है ना वो आपके हेयर का लुक जो है, बाल जो है वो आपके फेस का लुक तय करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, आप इमेजिन करिए कि जब आपका पार्टनर आपके साथ में था, यानी कि ब्रेकअप से पहले की बात करें, तो आपके हेयर का लुक कुछ ऐसा था, हेयर का कलर आपका ऐसा था ब्लू, ठीक है। जैसे ही आपका पार्टनर छोड़ के जा चुका है तो अब आपने हेयर का कलर जो है वो चेंज करवा दिया, आपको क्या लगता है जब चेंज हुआ तो आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि चेंजेस की तरफ ही इंसान का माइंड सेट जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बालों में कलर करवाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि हेयर लुक चेंज करो। अगर आप कलर करवाते हो तो कलर करवाओ, मुबारक है, चेंज करवाओ। सपोज करो कि जब आपका पार्टनर आपके साथ था तो आपने हाईलाइट करवाया था अपने बालों में, तो फेड हो गया है या हल्का हल्का उड़ गया है या फिर धुंधला हो गया है, तो आप उसको सैलून में जाके उसको चेंज करवा लो, उसको दोबारा से हाईलाइट करवा लो, दोबारा कलर चढ़वा लो, कितना अच्छा निखर के आएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं है, नहीं करते हैं आप, तो एटलीस्ट जाके सैलून में एक अच्छा कटिंग करवा सकते हो आप, हेयर स्पा करवा सकते हो, स्मार्ट बॉन्ड करवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाके बालों को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहला चेंज करना है आपको हेयर के लेवल पर, ठीक है ना। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला जो पॉइंट है वो है ड्रेसेस पे चेंज करो। आपको ड्रेस पे एक तरीके से चेंजेस लाने होंगे। क्या चेंजेस लाने होंगे? जब आपका ब्रेकअप नहीं हुआ था तो आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के गया था तो आपने जिस जो भी आपके पास कपड़े थे उसको एकदम से उठा के कहीं पे, मतलब किसी को दान दे दो, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको बाहर नहीं निकालना है, उसको आप टच मत करो, उसको पहन के तो अपने पार्टनर के सामने बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, आप चार दीवारी के अंदर हो तो उसको पहन सकते हो, लेकिन बाहर नहीं जाना है पहन के। सपोज करो कि आपने रेड कलर का टी शर्ट पहना था और ये वाली पैंट पहनी थी, तो ये नहीं पहनना है, आपको एक नए कपड़े चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश हो, जिसको आपके पार्टनर ने कभी आपके ऊपर देखा ही ना हो, ऐसे कपड़े आपको लाने हैं, ठीक है। ऐसे कपड़े आपको चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, ऐसे कपड़े आपको पहनना है, तो ये ड्रेसेस पे आप चेंज कर सकते हो। और ड्रेसेस पे चेंज आप केवल बाहर ही नहीं, अंदर भी कर सकते हो, अंदर के कपड़ों में भी आप चेंजेस ला सकते हो। अब ये सवाल ये उठेगा यार कि हमने सैंडो अगर पहनी है तो उसको कौन देखेगा? नहीं देखेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत मैटर करता है। तो अब सारी चीज़ें नई करनी है आपको, ठीक है, चेंजेस इस तरीके से आपको लाना है। तो ये तो बात हुई ड्रेस की। अब ड्रेसेस में सारी लड़कियाँ भी कवर आती हैं, ठीक है, उसको भी कवर करते हैं। टॉप पे भी चेंजेस कर सकते हैं, जींस पे चेंजेस कर सकते हैं, और अगर सूट पहनती हैं तो उनमें जो भी चेंजेस आप ला सकते हैं। सारी चीज़ें लड़के लड़कियां दोनों, ठीक है, अपने ड्रेस पे चेंज लाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है एसेसरीज। एसेसरीज पे भी आपको चेंजेस लाना चाहिए। अब एसेसरीज क्या है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एसेसरीज में आपका आ जाता है बेल्ट हो गया, नेकलेस हो गया, रिंग हो गई, ठीक है, आप एक तरीके से कान की बाली हो गई या फिर ब्रेसलेट हो गया, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो एसेसरीज में हम जिसको इंक्लूड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको चेंज करना है। सपोज करिए कि आपके उंगली में रिंग जो थी वो आपके पार्टनर के, जब आपका पार्टनर आपके साथ था उस समय जो रिंग थी उसको हटा दीजिए, दूसरी रिंग डालिए। आपके गले में जो नेकलेस था उसको हटाइए, एक दूसरा नेकलेस लेके आइए जो अट्रैक्टिव हो। बात आपको समझ में आ रहा है? यानी कि हर एक लेवल पे आपको चेंज करना, हर एक एसेसरीज को चेंज करना, यानी कि पूरी सिचुएशन उलट देनी है आपको, ठीक है, कुछ नया करना है आपको। तो ये तो बात हो गई एसेसरीज की। ओके, बात करते हैं बॉटम की। बॉटम में क्या आता है कि बॉटम में ये आपका नीचे का हिस्सा आएगा। बॉटम में मान लीजिए कि आपका पार्टनर जब आपके साथ था तो आपने इस कलर के अगर शूज पहने थे तो अब आपको शूज चेंज करना चाहिए, ऐसा शूज जो आपके पार्टनर ने कभी आपके पैरों में ना देखा हो। अब ये केवल शूज की बात नहीं है, ये स्लीपर पर भी अप्लाई होता है, सैंडल पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें अफोर्ड कीजिए जो एक तरीके से आपके पार्टनर ने कभी आपके पास ना देखी हो, ठीक है। तो ये तो हो गया बॉटम की बात। फिर उसके बाद कहते हैं बॉडी। बॉडी में भी आपको चेंज लाना है। बॉडी में हम चेंज कैसे लाएंगे? आपको जिम वगैरह जाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए,
और थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह अगर कर लेंगे ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्ट्रेच वगैरह करते हैं, थोड़ा सा सही एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो एक तरीके से मतलब उसमें हैप्पीनेस होता है, जैसे कि जिसको हिंदी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है प्रफुल्लित होना, तो आपके बॉडी से वो सारी चीज़ें एक तरीके से रिलीज होती हैं, तो वैसा दिखता है आपकी बॉडी, ठीक है। तो आपको सुबह अगर 5 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ही हैप्पीनेस दिखाएगी। तो ये है बॉडी में चेंज करना। ओके, बॉडी में चेंज करने का मतलब ये तो हुआ एक्सरसाइज वगैरह, बॉडी कुल मिला के लुक्स पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने फेस को भी क्लीन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को भी ध्यान दे सकते हैं। आप इन दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है, जब पार्टनर छोड़ के गया था तो ये इंसान कैसा था, जब पार्टनर अब नहीं है तो ये इंसान कैसा हो गया है, ये ज़्यादा क्लीन है, ये थोड़ा सा डल है। तो आपको बात समझ में आई क्या है यहाँ पे अंतर? तो आपको इस तरीके का ट्रांसफॉर्म बॉडी पे भी करना चाहिए। नेक्स्ट है फेस पे। फेस पे आपको क्या चेंजेस करने हैं? फेस पे आपको जो चेंज करने हैं, पहली बात तो है फेस को आपको अच्छा बनाना है, पहले से बेहतर बनाना है, क्लीन करना है। और फेस पे कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप बियर्ड रखते हो तो बियर्ड पे आप चेंज कर सकते हो, जाके उसको सैलून में जाके उसको अच्छा सा कट दे सकते हो, या जो भी कुछ है एवरीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि बियर्ड साफ़ कर दो आप, अगर बियर्ड नहीं है तो फिर आप क्लीन सेव रखो। बाकी सारी अब लड़कियां जो हैं वो अपने चेहरे को ज़्यादा एक अच्छा बना सकती हैं, मॉइस्चराइज कर सकती हैं। और उसके बाद फेस का जो मेन मेरा मकसद था वो ये है कि आप चेहरे पे एक स्माइल लेके आओ, ठीक है। चेहरे पे एक स्माइल आपको रखनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका पार्टनर छोड़ के आपको गया था तब आपके चेहरे पे स्माइल थी क्या? नहीं थी। अगर आपके चेहरे पे स्माइल होती तो आपका पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाता। तो आप क्या करना है, आपको अपने चेहरे पे फेस पे स्माइल लेके आनी है, ठीक है। तो ये है चेहरे का चेंज। फिर उसके बाद आपको लैंग्वेज पे चेंजेस करने हैं। लैंग्वेज में क्या चेंज होगा? लैंग्वेज में चेंज आपको ये करना है कि जब आपका पार्टनर आपके पास था तो आप उनको बहुत मनाते थे, रो रो के उनसे अपनी बातें कहते थे मत जाओ छोड़ के, बहुत ही रिक्वेस्ट करते थे, घुटनों पे थे। अब आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, आपको थोड़ा सा अकड़ के बात करना है। वो क्या हो गया? रूडली बिहेव करना है। किससे? सिर्फ अपने पार्टनर से। जब आपका पार्टनर कभी आपसे कॉन्टैक्ट करे तो आपको रूडली बिहेव करना है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, ये यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं जो कि चेंजेस करने चाहिए आपको। बाकी आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा, पूरी तरीके से आपको ये पॉइंट्स चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं। अब तो ये हुआ, ठीक है। अभी ये चलो मान लो हमने चेंजेस कर लिया, अब रिजल्ट क्या मिलेगा इसका? रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, व्हेन योर टारगेट सी, जब आपका टारगेट, टारगेट का मतलब है जब आपका पार्टनर, जब आपका पार्टनर आपको देखेगा, देन फ्लैट, वो फ्लैट हो जाएगा आपके प्यार में, एकदम से पहले की तरह गिर जाएगा। अगेन फॉल इन लव, लव नहीं अट्रैक्शन, वो अट्रैक्ट होके आपकी तरह फिर से गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि सारी चीज़ें तो चेंज हो गई। सपोज करिए कि सारी हमने जिस इंसान को छोड़ा था, हमने उस इंसान को एक हफ्ते बाद देखा, और जैसे ही हमने देखा हम तो इमेजिन कर रहे थे कि वो तो देवदास बन गया होगा या बन गई होगी। हमने जैसे उसको देखा तो यार मतलब हमने मतलब चेहरे की तरफ से नहीं देखा, हमने पीछे से देखा तो लगा यार ये मतलब लग रहा है कि कोई नया बंदा या बंदी मोहल्ले में आई है। और जैसे ही हमने देखा यार ये तो वही है, हमारी वाली या हमारा वाला, ठीक है, मतलब ये तो वही इंसान है जिससे हमारा अफेयर था। ये क्या मतलब, मैंने ऐसे इंसान को छोड़ा, मतलब आई कॉन्ट बिलीव इट, कुछ ऐसी आवाज़ें अंदर से आएंगी। और फिर आपकी जब आप अट्रैक्टिव दिखेंगे तो आपसे सारे लोग अट्रैक्ट होंगे, सारे आपसे बात करना चाहेंगे। तो आपसे सबसे पहले बात कौन करना चाहेगा? कौन आएगा आगे? वही आएगा जो आपसे पहले बात करता था। फिर वो आपके पास वापस आएगा, ठीक है, और फिर वो आपसे हाय हेलो कहेगा, कैसे हो कैसे नहीं हो, फिर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जाएगी, फिर आपसे बोला जाएगा आपका नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है, क्यों है ऐसा? तो आप मतलब रूडली बिहेव करना है, ये नहीं कि मान जाना है, नहीं, एक्साइटेड हो जाना है। फिर उसके बाद जब वो आपके पीछे फॉलो करता है, आपको इंप्रेस होके, देन यू कन्वर्ट इनटू एज यू वेल, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपकी मर्जी अगर कहती है उसको उंगलियों पे नचाना तो आप उंगलियों पे नचाओ, आप सारी चीज़ें कर सकते हो, यानी कि उसको तब तक नचाओ जब तक कि वो आपके प्यार में डीपली उतर ना जाए वो इंसान। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन कंप्लीट मैंने इसको एनालाइज करके बता दिया है, इसका रिजल्ट भी आपको समझा दिया है। एंड में ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करेगा, ताकि ये पावरफुल कंटेंट उनको मिल सके, वो भी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसी ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी दो चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको फॉलो करिए। और ऐसी ही पावरफुल वीडियो इस वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन उसको लिखना कतई मत भूलिएगा। फेसबुक पे अगर फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको फॉलो करिए। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल करिए। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए lamentacity@cm4, वहाँ पे lamentacity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।